बबली और बंटी जासूस। ड्राइवर, सामान अंदर ले आओ। हे, कार यहाँ पार्क मत करो, हम खेल रहे हैं। मेरी कार यहीं पार्क होगी, तुम लोग कहीं और जाके खेलो। हम पहले से यहाँ खेल रहे थे, कार हटाओ वरना मैं। वरना क्या, क्या कर लोगे? चलो ड्राइवर। जिंटू गुस्सा मत हो, हम थोड़ी दूर जाके खेलते हैं। तुम उसकी कार यहाँ से नहीं हटाओगे, समझे? वो बंटी की कजिन है और हम बंटी के घर के सामने रहते हैं। ठीक है, मैं उसकी कार यहाँ से नहीं हटाऊंगा, लेकिन हम खेलेंगे भी यहीं पे। ये जगह भी तुम्हारे घर के सामने है। जिंटू जल्दी से जादू हटाओ, कार नीचे करो, उसने कार हवा में देख ली है। बंटी, मैं सच कह रही हूँ, कार हवा में पाक थी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, वीर मेरे साथ तो अक्सर ऐसे जादू करता है, वो जादूगर है जादूगर। तो तुम मम्मी डैडी को क्यों नहीं बताते? ओफ़, मैंने कई बार बताया, लेकिन बाद में बिना सबूत के प्रूव नहीं कर पाता हूँ। तुम्हें पता है, कई बार तो मैं सब कुछ भूल ही जाता हूँ। अच्छा, चलो हम उनकी जासूसी करेंगे और उनका जादू शूट करके ये प्रूव कर देंगे कि वीर जादू करता है। ओके बबली, आज से हम दोनों हैं बंटी बबली जासूस। वीर, वीर, कोई घर में घुसा है। यहाँ इस समय रात में कौन आ सकता है? सो जाओ। वीर, मैं उनके कदमों की आवाज सुन सकता हूँ, वो इधर ही आ रहे हैं। अभी चेक करता हूँ। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। ये बंटी और बबली जासूसी करने आ रहे हैं। वीर, जल्दी से चुटकी बजाओ, जल्दी। चुटकी क्यों बजवा रहे हो? तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। वीर, इतनी रात को क्यों बुलवाया? जिंटू, बंटी और बबली यहाँ जासूसी करने आए हैं, उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी ऐसी गलती ना करें। अभी करता हूँ चुटकी बजा के। ओ, तो तुमने जिंटू को इसलिए बुलाया है, ये ठीक नहीं है चुलबुल। और वो चुपचाप बीच रात हमारे घर में घुस रहे हैं, वो ठीक है क्या? हाँ, देखो देखो, फोटो में कितना सीधा लगता है, वैसे ये है बहुत चालाक। प्लीज, कुछ चाय नाश्ता करोगे? थैंक्स। क्या ब्रेड जैम मिलेगा? बंटी, ट्रे हवा में उड़ रही है। जाओ मत, कुछ चाय नाश्ता तो कर लो। कल रात तो बंटी और बबली का चेहरा देखने लायक था। जिंटू, तुम्हें उनको इस तरह डराना नहीं चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया, चुलबुल ने कहा उन्हें सबक सिखाओ और मैंने सिखा दिया, अब वो वीर के घर में इस तरह नहीं आएंगे। बंटी, मैंने सुना है बुल को लाल कपड़ा दिखाओ तो वो भड़क जाता है। चलो, हम उस बुल को लाल कपड़ा दिखा के भड़का देते हैं, वो भड़क के इधर उधर तोड़फोड़ करेगा और फिर देखते हैं वीर कौन सा जादू करके उसे कंट्रोल करता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है, वो बुल हम पे भी अटैक कर सकता है, हमें ऐसा खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। टट्टा अंकल। कौन है?
देखो तुमने क्या कर दिया, मैं इसीलिए मना कर रहा था। आगे जाओ, देखो वीर क्या करता है। तुम पापा को बुल से नहीं बचा सकते, अब यही रुको। वो देखो एक बुल भड़क गया है और मिस्टर चड्डा को मार रहा है। भूल गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, भूख लगी है, चाट कहाँ है? वीर कुछ करो, वो बुल सबको मार रहा है। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मुझे तो पहले से ही शक था। शूट करो, शूट करो। अरे ये क्या, ये अंधेरा क्यों हो गया? लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। अरे बुद्धू, पहले अपने सर से मटका तो निकालो। चुलबुल, वो देखो, बबली वीर को शूट कर रही है। वो अभी भी जासूसी कर रही है। ये जिंटू कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। ये किसने मारा? थैंक यू। बुल भाई, आप क्यों नाराज हैं? गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम बहुत ताकतवर हो, इसीलिए मैं हार मानता हूँ। जाओ उस ट्रक को बचाओ, देखो वो पुल से टकराने वाला है। कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ! इस पुल को पूरी तरह तिरछा होने से रोकना होगा, वरना ये सब नीचे गिर जाएंगे। ये कौन मुझे बार बार मार रहा है? रुक जा, रुक जा। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ यार। देखो ट्रक रोबो बॉय पे ही गिरने वाला है। अरे रोबो बॉय सुनो, वहाँ से हट जाओ, ट्रक तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाला है। रोबो बॉय हट जाओ, ट्रक गिरने वाला है, तुमसे नहीं रुकेगा। ये जिंटू कहाँ है? जब भी जरूरत होती है ये गायब हो जाता है। वो तो घर भी चला गया। मेरे बेटे बंटी ने फिल्म शूट की है,
कह रहा है बड़ी सस्पेंस फिल्म है, इसका एंड सबको अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। देखना ये लाल स्कार्फ पुल पे फेंकूंगा ना तो मेरे पापा को कैसा दौड़ आएगा। बंटी ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अरे देखो तो कितना मजा आएगा। तो ये तुम्हारी शरारत थी जो मुझे इतनी मार खानी पड़ी। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये झूठ है पापा। मैं तो घर जा रही हूँ। सॉरी पापा, मैंने नहीं किया। बबली रुको, मुझे भी साथ ले लो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। घोस्ट बैंक रॉबर। मेरा सारा रुपया खत्म हो रहा है। मैं वीर को कैसे पकड़ूंगा? मुझे रुपया चाहिए, खूब सारा रुपया, ताकि मैं वीर को पकड़ने के लिए नए नए प्लान बना सकूं। मैं अभी आया। ये क्या है? ये 530 रुपए है। जैसे खर्च करना हो करो। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम निकम्मे हो, नाकारा हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे हाथों बच के नहीं जा सकते। बॉस, बॉस, मेरी गलती तो बता दो बॉस। ये कम है तो बोलो बॉस। फुर्सतगंज में जितने बैंक हैं, सब के सब लूट डालूंगा बॉस। यस, यस, ये आइडिया अच्छा है। ये लो, ये इनविजिबल रोबोट सूट है। इसे पहन के तुम किसी को नहीं दिखोगे। जाओ और सब बैंक एक एक करके लूट लो। ये वाला रेड बटन दबाओगे तो गायब हो जाओगे, और ये ग्रीन बटन दबाओगे तो वापस दिखने लगोगे। समझे? ओके बॉस, समझ गया बॉस। क्या पढ़े लिखे आदमी होकर भी भूत भूत कर रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता। अच्छा, भूत नहीं होता तो बताओ तुम्हें कौन पीट रहा है? बैंक लूट के आ गया बॉस। तुम बड़े काम के आदमी हो टिम्बकटू। बहुत दिन हो गए ढेर सारे रुपए देखे हुए। इस बैंक के खसाने की बरसात कर दो मेरे ऊपर। लेट मी एंजॉय। ये इतने सारे क्वाइंस क्यों ले आए? रुपए कहाँ हैं? रुपए तो मैं वहीं छोड़ आया बॉस। कद्दू इंसान, जाओ रुपए लूट के ले आओ। इस बार क्वाइंस लाए तो देखना। तो देखा आपने, ये भूत कैसे बैंक को लूट के ले जाता है। अभी तक 3 बैंक लूट चुके हैं। कौन है ये? कहाँ से आया है?
रुपए क्यों लूट रहा है किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना और पता चला है कि जहाँ भी बैंक लूटा जाता है वहाँ आसपास आइसक्रीम चाट जैसी चीजें भी ये लूट के ले जाता है। सिर्फ इतना। जिंटू कहे तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे ना? मैं तो सुबह से तुम्हारे साथ हूँ। ये चोर जो भी है भूत तो नहीं है। इतना मैं जानता हूँ कि फुर्सतगंज के बैंक्स को बचाने के लिए इस चोर को पकड़ना जरूरी है। तुम सब मेरे साथ आओ। जहाँ रेड लाइट है वो बैंक लूटे जा चुके हैं। ये ग्रीन लाइट्स वाले बैंक ही बचे हैं और इन्हें लूटने से बचाना होगा। इनसे मिलिए, ये हैं जूनियर वीर। ये छोटे रोबोट्स हैं। हम हर बैंक के सामने इन्हें खड़ा कर देंगे। इनमें स्पाई कैमरा लगा है, जिस बैंक में भी वो चोर आएगा हमें पता चल जाएगा। चोर तो दिखेगा नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा? चोर आएगा तो बैंक का दरवाजा खोल के ही अंदर जाएगा। ये जूनियर वीर अपने स्पाई कैमरा से बैंक का दरवाजा खुलते और बंद होते हमें इस स्क्रीन पे रिले करेगा और फिर मैं वहाँ जाके उसे पकड़ लूँगा। हाँ तुमने ठीक कहा वीर। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी इन्हें बैंक के सामने रख देता हूँ चुटकी बजा के। मैं जाके हर जगह चेक करता हूँ कि सब जगह जूनियर वीर ठीक से खड़े हैं कि नहीं। चिंटू ने अपना काम कर दिया है। अब देखते हैं वो चोर आ जाता है कि नहीं। वो देखो उस बैंक का दरवाजा खुल रहा है। ये चोरी उसकी आखिरी चोरी होगी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। चुलबुल चलो हम दोनों भी वीर के पास जाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। वो देखो रोबो बॉय जा रहा है। हाँ जरूर उस लुटेरे भूत को पकड़ने जा रहा होगा। रुक जाओ तुम जो भी हो। तुम मुझे देख तो नहीं सकते, पकड़ोगे कैसे? मैं भूत हूँ। ओह तो तुम टिम्बकटू हो ना? तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। आज तुम मुझसे बच नहीं सकते। भूल गया मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इमली चुलबुल दूर रहो, ये टिम्बकटू है, किसी गैजेट की मदद से इनविजिबल हो गया है। इसे देखता हूँ, इतनी दुलाटियाँ चलाऊंगा कि एक ना एक तो इसे जरूर लगेगी। आ, 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 आ,
टिम्बकचू है, किसी गैजेट से इनविजिबल हो गया है। वीर उससे लड़ रहा है लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा। लेकिन मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वीर से कहो जहाँ बॉडी है वहाँ बॉडी हीट है। ओके। आ, 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 आ। तुमसे कहा ना दूर रहो, पास मत आओ। वीर, दादाजी कह रहे थे जहाँ बॉडी है वहाँ बॉडी हीट है। हीट सीकिंग डिवाइस ऑन। हीट सीकिंग डिवाइस ऑन। वो दिख नहीं रहा, वरना मैं उसे ऐसे रेस फेंक के मारता कि मेरा बस चले तो मैं उसे ऐसी दुलाटी मारूं कि बस चले तो ये पत्थर उसे फेंक के ऐसे मारूं, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा। बस करो, बस करो। मैं समझ गया, तुम सब मुझे देख सकते हो। बॉस।